So, hey, what's up guys? कैसे हो आप सब? मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो भाई कल मैं फाइनली अपना पिटबुल लेने जा रहा हूँ बरेली। गाइज ये वाला पिटबुल है, इसका नाम ड्यूक है। तो गाइज वैसे तो बात डन हो चुकी है, अभी चाचा से पूछना है चाचा साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल चाचा का कॉल आया मेरे पास, चाचा और मैं अभी चीनू का एडमिशन करवाने जा रहे हैं। जो जो तूने अपना खाना खा लिया? ओ जो जो दे, कैसे हो गया? ओ चूहे से, ओ चूहिया हो गया भाई ये तो। नोबिता। सो गाइज चाचा हमारे यहाँ पे वेट कर रहे थे। चीनू एडमिशन करवाने जा रहा है। कौन सी क्लास में हो जाएगा? फिफ्थ में लगता तो नहीं है, फिफ्थ क्लास का तू छोटा सा है। और तेरा एडमिशन कब होगा ये बता? 10 बजे। चिकी सो रही है, बहुत नींद आती है। पास में ही तो है स्कूल। जोजो की तरह जोजो तो भाई अब बहुत बुढ़ के भरने लग गया। इसका भी करवाई दो ना, लगे आता एडमिशन। ये भी स्कूल चली जाएगी, करवा दे एडमिशन तेरा। निकू का स्कूल? हाँ मेरा स्कूल भी है ना ये। हाँ। तो गाइज मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जब भी स्कूल में आता हूँ ना पुरानी बातें याद आ जाती है। रिया भी इसी स्कूल में है और चीनू भी इसी स्कूल में है। चीकी का भी करवा दे इसी स्कूल में। करवा बात करो इसकी। यार फूल क्यों तोड़े? ऐसे नहीं तोड़ते, टीचर धमकाएंगी जल्दी दे। अरे फेंकने नहीं है यार, फेंक दिए डर के मारे। कभी कोई धमका दे इसको, यहाँ पे रख देते हैं ठीक है, यहाँ पे ना इनको उगा देते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। ये देखो किसी का एंकी गिरा हुआ है, नया एंकी। और नहीं नहीं गाइस चिकी का तो एडमिशन हो गया, अब इसको इसकी क्लास दिखा के ला रहे हैं। ये आपकी क्लास है चिकी? चिकी सुनो, ऐसे फोटो खींचेंगे। ना पेन नहीं खराब नहीं करनी कॉपी। तो गाइस चिकी का तो एडमिशन हो गया है, कैसा लगा चिकी स्कूल? अच्छा। ये क्लास कैसी लगी तेरे को? पढ़ेगी? तेरे को क्लास कैसी लगी तेरी? अच्छी। डेली आएगी यहाँ पे अब? तो गाइस चिकी को स्कूल और इसकी क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी, खुश भी लग रही है यहाँ पे। पहले तो मना कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। इसके दोस्त बनेंगे। हाँ इसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे यहाँ पे। नहीं वो तो अलग है ना, वो नर्सरी क्लास में थोड़ी आएंगे, वो तो बड़े हैं। चिकी कहाँ जा रही है? चिकी पकड़ इसको, बाहर निकल, बाहर निकलो। नहीं बाहर आओ, बाहर आ जा जल्दी आ। मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ तेरे को, जल्दी आ। चिकी का ना गाइस मन लग गया स्कूल में, एक दो दिन का शौक है इसका, वरना इसको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा स्कूल में। सो गाइस चीनू और चिकी का तो एडमिशन हो गया है। चिकी का वैसे पता नहीं था हम इसका एडमिशन करवा देंगे, पर करवा ही दिया। रिया चिकी का एडमिशन करवा दिया तुम्हारे स्कूल में। अब डेली उसके पास जाएगी ना उसकी क्लास में। बाबा जी कल मैं बरेली जा रहा हूँ अपना पिटबुल लेने। बात? हाँ बात हो गई है, 12 महीने का पूरा। कैसा है ये देखो? ओ भाई कितना मस्त है, मस्त है भाई पूरा, मस्त है ना। डेंजर लग रहा है देखो, मसल्स मस्त, डेंजर है ना। और अभी तो ये और बड़ा होएगा, डबल एक्सएल है ये। कितना बड़ा होएगा? तो ले आओ भाई, लिया है। तो एक पिटबुल ऐसा हो जाएगा हमारे पास जो किसी के पास भी नहीं है यहाँ पे, है ना। और कलर भी अच्छा है ना इसका। गाइस कलर तो अच्छा है ही, और ना इसकी ग्लेशियर आईज है, मतलब ब्राउन व्हाइट टाइप है दोनों आईज। अच्छा बरेली चलोगे आप भी? भाई मुझे टाइम नहीं है, काम था। तो भाई पापा के पास तो टाइम नहीं है, अभी चाचा से और पूछूंगा मैं घर पे जाके। और चीनू चलेगा तू भी साथ में? गाइस कोई जाए या नहीं जाए मेरे साथ में, चीनू पक्का जाएगा। सो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तो भाई आज खाने में है आलू छोले लस्सी और रोटी। तो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खा के चलते हैं सीधा चाचा के पास पिटबुल की बात करने। तो चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस ये देखो ये ना पाड़ने लग गया अब। ओ भाई आज तेरे को साथ में लेके चलते हैं। भाई देखो एक गुड न्यूज है, मैं ना अपना पिटबुल ला रहा हूँ कल। ओ सुनो तो सही, पिल्ला नहीं है देखो भाई ये है। और ये तो डबल एक्सएल साइज है, अभी ये 12 महीने का है, और बड़ा होगा इससे भी भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर फ्रेंडशिप करवा दूंगा तुम सबकी। और फिर इसको ना गोस्ट हंटिंग पे लेके जाएंगे, इसके लिए एक ट्रेडमिल लेके आएंगे, इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, इसको मस्कुलर बना देंगे मस्त वाला। तो भाई जो जो को जैसे ही घर से बाहर लाते हैं ना वैसे ये सुस्त हो जाता है, सोने लग जाता है। अगर ये अभी घर पे होता ना तेरे बहुत सारे बुड़के भर देता ये, ऐसे देख ऐसे तू ना फिर इससे परेशान हो जाती। क्या लग रहा है चाचा? कल मैं जा रहा हूँ बरेली, ये देखो ये वाला पिटबुल लेके आ रहा हूँ मैं। कितने महीने का है? 12 महीने का हो गया बस। मस्त है यार। भाई एक बात बताऊं, इससे बेस्ट है ना पूरे बहादुरगढ़ में? नहीं बहादुरगढ़ में इससे बेस्ट है ही नहीं, नहीं है। और अभी तो और बड़ा होगा ये चाचा। भाई मस्त है, चलोगे कल बरेली मेरे साथ? चलो ठीक है, इसको भी ले चलेंगे कार्तिक। इसको तो मैं वैसे भी लेके जाऊंगा। नहीं तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जो जो इधर
इधर लेट गया भाई। लेट जाता यार। देख बुड़के, ए, बुड़के फिर चाचा हमारे सारे कुत्ते संकी क्यों हो रहे हैं? देख बस जोजो, ओ यार तू शिट्ज़ू है, पिटबुल नहीं है क्या? देख चले जोजो ड्रैगन के पास। तो गाइस अभी ना जोजो को ड्रैगन से मिलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, क्या खेल रहे हो तुम? भुजिया कम भुजिया, ये क्या होता है? उसके ऊपर से कूदना ऐसे बन के। आज की लगी पैर में चोट लग जाएगी यार। वो ऐसा गेम मत खेलो यार जिसमें चोट लगे। तो गाइस अभी ना जोजो को ड्रैगन से मिलवा रहे हैं। ड्रैगू बस ड्रैगू बस, ओ सारा गंदा कर रहा है। कर क्या रहा है? देखिए मगरमच्छ सा, ओ मगरमच्छ, ओ जोजो को कुछ मत बोल दियो। जोजो ओ जोजो, इनके ना फ्रेंडशिप करवानी है ठीक है। ओ ड्रैगू बुड़का मत मार इसके, ले ओए कोई झपट्टे मार दो। रुक जा ड्रैगू। तो गाइस अभी ना ड्रैगन जोजो पे झपट रहा था, इसकी क्लास लेता हूँ। रुक जा, अपने भाइयों को पारता है तू। इधर देखो गाइस, अब ड्रैगन कुछ भी नहीं बोल रहा जोजो को, अब ये फ्रेंड बन गए। जोजो जोजो डर रहा है गाइस बहुत ज्यादा इससे। जोजो डर क्यों रहा है भाई, तेरा भाई है वो जोजो। गुस्सा आ गया जोजो को। सो गाइस ये देखो, अब ड्रैगन फाइनली जोजो का दोस्त बन गया है। गाइस ड्रैगन ना पहले जोजो को काटने की कोशिश कर रहा था, बाद में मैंने समझाया इसको थोड़ा सा और ये मान गया। जोजो जोजो तू खुश हो जा, तेरा फ्रेंड पिटबुल है। कोई तेरे से फालतू बोले ना, बोल दियो ड्रैगन मेरा दोस्त है। ड्रैगू जोजो आज से तेरा छोटा भाई है ठीक है, और तुम दोनों का बड़ा भाई आएगा पता है कल, ड्यूक नाम है उसका। ये देखो अभी खेलने लग गया आपस में, जोजो कान काट रहा है इसके ड्रैगन के। आपस में दोस्त बन के रहना है तुम्हें। सो गाइस ड्रैगन और जोजो की तो मैंने फ्रेंडशिप करवा दी है। वैसे तो ना ड्रैगन शुरुआत में इसको काट रहा था, और भाई फिर धीरे धीरे करके ना ड्रैगन को थोड़ा समझा दिया। बड़े हो गए ना एक दूसरे के ना साथ साथ रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, हाँ कल यहाँ से निकलते हैं, तीन चार दिन घूम के आएंगे। बढ़िया, तीन चार दिन घूम के आएंगे, बरेली घूमेंगे। कल गठन हो गया। वो कैसे भाग रहा है? ओ भाई, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई, फिर निकू। हाँ चाचा, अभी से तैयारी कर ले जाके, कार्तिक के कपड़े पैक करवा ले और अपने भी कपड़े पैक करवा ले, मैं अपने करवा लेता हूँ। चला जा जोजो, चलते हैं घर पे। रिया भी तेरे को मिस कर रही होगी। तो गाइस अभी मेरा फिर से पर्स गुम हो गया, चीनू को पकड़ाया था मैंने, गाड़ी से उतरते उतरते खो दिया इसने। गाइस पूरे रास्ते देखे आए हम, कहीं पे भी पर्स नहीं मिला मेरा, बहुत गलत बात है चीनू। गाइस अभी ना कैमरे चेक कर रहे हैं, ये रहा देखो भाई, कपड़े खराब करती इसने डाला यहाँ। पता है इसके चक्कर में मैं अभी सारे कार्ड ब्लॉक करवा देता, देख रहे हो? गाइस मैं और पापा तो भाई बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ना इसमें मेरी सारी आईडी थी, पैन कार्ड आधार कार्ड। थोड़ी शांति हुई, पेपर पढ़ना चलेंगे। गाइस हम ना दो तीन घंटे से ऐसे ही ढूंढने लग रहे हैं पर्स, हर चीज खो देता है 10 सेकंड में। चाचा ये देखो, बाहर पड़ा था दरी के ऊपर। और गाइस जब पापा बोले कि भाई मुझे लग रहा है इसने ना टेबल पर रखा था, तब ये यूं बोल रहा है कि हाँ मेरे को याद आ गया मैंने टेबल पर रखा था, मतलब झूठ बोल रहा था। पूरे दिन से खाना नहीं खाया, भूखा है जोजो। जोजो खा लेता। जब इसको भूख लगती है ना तो रोता भी नहीं है, ये बस चुप बैठ जाता है। आज ड्रैगन और जोजो की दोस्ती करवा दी जोजो। तो गाइस मम्मी तो खाना ले आई है, आज खाने में है सुबह वाली सब्जी, आलू छोले, दही और रोटी, और दाल भी बनाई है। गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ, और खाना खा के करते हैं सीधी पैकिंग कल के लिए। तो चलो गाइस खाना खाते हैं। तो भाई मैंने खा लिया है खाना, और अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ। सर देख ले अभी भी गोरता है, ठीक है? हाँ ठीक है। ये देखो भाई, इसके ना चेन टूटी हुई है, और वहाँ जाके पता चलता। इस बैग के अंदर ना भाई ब्रश से लेके हर एक चीज का ऑप्शन है, मतलब सारी चीजें ले जा सकता है एक बंदा। तो गाइस सामान की पैकिंग तो मेरी होगी है, सुबह मैं बरेली निकलूंगा, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा मेरे नए वाले पिटबुल का, जिसका नाम ड्यूक है। मैंने डिसाइड किया कि भाई उसके साथ गोस्ट हंटिंग भी करेंगे। ये चलेगी गोस्ट हंटिंग में दोबारा? बेहोश तो नहीं हो जाएगी? पूरी सिक्योरिटी से जाओगे? और गाइस वैसे ना आज मैंने जोजो और ड्रैगन की फ्रेंडशिप करवा दी, हर हफ्ते ना इनको मिलवाता रहूंगा मैं, ताकि ये बड़े जब होए ना तो मस्त फ्रेंड बन जाए आपस में, पिटबुल और शिट्ज़ू। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वैसे मैं एडिटिंग ना रात भर करता था ठीक है, रात को आधी होती थी, फिर सुबह उठ के बाकी आधी करता था मैं। अभी मेरे को सारी एडिटिंग रात को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह उठ के मुझे बरेली भी जाना है, तो वहां जाने जाने का रास्ता 8 घंटे का है, जल्दी निकलना पड़ेगा सुबह। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।